आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद जब भी कोई हिंदू समाज के ऊपर आपत्ति विपत्ति ऐसी कोई घटना घटती है तो त्वरित आप लोगों को कष्ट देता है और आप हम सबके आग्रह पर संख्या में उपस्थित होते हैं। इसके लिए एक बार पुनः पूरे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप सबका आभार। विषय आपके ध्यान में है कि अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं बांग्लादेश में जो घट रहा है, वहां पर चुनी हुई सरकार अब सत्ता में नहीं है और वहां से जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी वो वहां से अभी भारत में शरण लेकर बैठी है और किसी अन्य देश ने उनको शरण नहीं दी। बांग्लादेश क्योंकि भारत का ही अंग रहा है और जब बांग्लादेश बना तब लगभग 38% हिंदू वहां थे जो धीरे धीरे कम होकर 8% रह गए और जो 8% रह गए वो आज जिस स्थिति में है उसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उनके साथ घट रहा है उसके साथ ये ध्यान में आता है कि जितने भी संगठन जब कोई किसी अन्य समाज के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो त्वरित मोमबत्ती लेकर दिए जलाकर या प्रदर्शन करकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतने हिंदुओं का वहां पर नरसंहार, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू परिवारों को लूटना, उनकी अस्मिता लूटना, ये सब होने के बाद एक ऐसे मानवाधिकार वाले जो संगठन है वो कहाँ है। तो विश्व हिंदू परिषद केंद्र से भी मांग करता है कि हमारे जितने भाई वहां पर हैं उन सबकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा ही बनता है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से वो कदम उठा रही है कि वहां पर अपने हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं वो ना घटे और उनको कैसे संरक्षण दिया जा सकता है उसका प्रयास कर ही रही होगी। पर विश्व हिंदू परिषद भी आज केंद्र सरकार से मांग करता है कि अपने सभी हिंदू जहां भी रहते हैं देश में विदेश में वो सब संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, उनके ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। ऐसा एक प्रयास विश्व हिंदू परिषद आज आपके माध्यम से भी आम समाज से भी आग्रह करता है कि वो आगे आए, अपने हिंदू परिवारों के ऊपर जो बीत रहा है वो ना बीते, ऐसी घटनाएं ना हो। इसमें हम सबकी संवेदना तो रह ही रहे, हम सबका मॉरल सपोर्ट तो रह ही रहे, पर कहीं जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी विश्व हिंदू परिषद की या हिंदू समाज की हम सब आगे आकर उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बांग्लादेश के हर जिले में कोई जिला ऐसा नहीं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही। इस्कॉन मंदिर के जो महंत है उनकी निर्मम हत्या कर दी, वहां पर रोज मंदिरों को जलाया जा रहा है और हिंदू बेटियों के साथ बहनों के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंदू परिवारों को लूटा जा रहा है, उनको घर खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस सब की विश्व हिंदू परिषद भर्त्सना करता है और हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से ऐसे परिवारों के साथ है। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। विश्व समुदाय की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में व उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। देश दुनिया भर में जितने भी मानवाधिकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो अगर किसी और समुदाय के साथ ऐसी घटना घटती है तो तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं, उन सबसे भी आग्रह है कि वहाँ पर क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भी वो सामने आए। लड़ाई तो आरक्षण को लेकर थी, वो आरक्षण की लड़ाई कब हिंदुओं के प्रति द्वेष भाव के साथ बढ़ गई ये पता ही नहीं, लड़ाई किस फील्ड में होना थी और उसने कहां मोड़ ले लिया ये आप सबके सामने है।
इस विकट परिस्थिति में पूरे बॉर्डर को अभी तो सील किया गया है, पर जिहादियों की अभी भी तैयारी है कि वो इस स्थिति का फायदा उठाकर सीमा से भारत में घुस सके और यहाँ पर भी उत्पात मचा सके, पर अपनी सेना, अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और विश्व हिंदू परिषद भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा है पहले की तरह। हर विकट परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता, जरूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में भी वहां पहुंचने के लिए तैयार है। ऐसा हम सब ने अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया, जहां पर भी मदद की आवश्यकता होगी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर अपने भाइयों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार है। और विश्व हिंदू परिषद की कामना भी है कि बांग्लादेश में ये स्थिति जल्दी सुधरे, वहां पर जो भी सरकार बने वो वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए उनको पूरी तरह से वो सुरक्षित रह सके, ऐसा प्रयास करें, ऐसी हमारी शुभेच्छा और शुभकामनाएं। जैसा मैंने पहले बताया, बांग्लादेश कभी भारत का अभिन्न अंग था और बांग्लादेश और भारत अभिन्न मित्र है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा हम मानते हैं, पर कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इसको कैसे अलग किया जा सके, पूरी तरह से पूरी ताकत से वो लगे। बांग्लादेश के विकास में और समृद्धि में वहां के अल्पसंख्यकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अल्पसंख्यक यानी हिंदू समाज, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उनकी पूरी भूमिका उनके विकास में है। इस्कॉन जैसी संस्था जो वर्षों से वहां के लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन कराती थी, उसके भी मंदिरों को जलाने के पीछे आखिर कौन सी मानसिकता है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घर, दुकान, मकान, कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा मंदिरों पर अमानवीय हमले क्यों? ये आपके माध्यम से हम पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? विश्व भर के अल्पसंख्यकवादी और मानवाधिकारों के अलंबरदार बांग्लादेश की घटना पर चुप क्यों है? जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का राग अलापने वाले कथित मुस्लिम बुद्धिजीवी व उनसे जुड़ी संस्थाएं जैसे दारुल देवबंद, जमीयत उलमा और हिंद तथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इन घटनाओं पर चुप्पी आश्चर्यजनक है। कहा है वैश्विक सिविल सोसाइटी तथा UNHRC के लोग जो छोटी छोटी सी घटनाओं पर सड़क पर आ जाते हैं और बड़े बड़े लेख लिखते हैं? अभी इतने दिनों में ना तो कोई ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला और ना ही कोई ऐसा लेख पढ़ने को मिला जिसमें लोगों ने इसका बहिष्कार किया हो या इसकी भर्त्सना की हो। हमास के लिए रोने वाले और फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न पर मौन क्यों है? ये विश्व हिंदू परिषद पूछ रहा है आपके माध्यम से। बात चाहे 1947 की हो, चाहे 1971 की हो, या अभी 2024 की हो, हिंदू ही प्रताड़ित क्यों, हिंदू ही निशाने पर क्यों? अराजक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हिंदू, किंतु सेना और संवैधानिक संस्थाएं भी उनके निशाने पर, उनका मनोबल गिराने का प्रयास निरंतर किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद इस घड़ी में, इस कठिन घड़ी में BSF और सेना के साथ बिल्कुल उनके पीछे दीवार की तरह खड़ी है और हर परिस्थिति में उनके सहयोग के लिए तैयार है। 21,000 पुस्तकों से भरे इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को जलाने पर मुस्लिम बुद्धिजीवी मौन क्यों? ये भी पूछता है विश्व हिंदू। वरिष्ठ नेता व महिला प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों तक की प्रदर्शनी लगाने पर भी दुनिया भर में कथित फेमिनिस्टों के होंठ सील क्यों? वो क्यों चुप है? प्रदर्शनकारी, हमलावर, मुसलमान, पुलिस प्रशासन व शासन में मुसलमान, सरकार मुसलमानों की, कोर्ट मुसलमानों का, लेकिन हमले हिंदुओं पर क्यों? ये पूछता है विश्व हिंदू परिषद। आप सबके माध्यम से, हिंदू समाज से भी निवेदन है, आग्रह है
कि ऐसी घटनाओं पर चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। अभी कल मध्य प्रदेश सरकार के एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नाम तो सज्जन सिंह है और भाषा दुर्जनों वाली है, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि अभी बांग्लादेश में हुआ है, यहाँ के हिंदू भी तैयार रहे, यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। तो ये उकसाने का काम किसको उकसा रहे हैं और किसको दबाना चाहते हैं? तो विश्व हिंदू परिषद ऐसे बयान देने वाले नेताओं की भी भर्त्सना करता है और उनसे आग्रह करता है कि ऐसे समय में जब पूरा हिंदू समाज एक बड़ी दुविधा में, अपने भाई पूरे बांग्लादेश में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो अपनी भाषा पर संयम रखते हुए अगर उनके साथ सहानुभूति नहीं रख सकते तो कृपया कर ऐसी भाषा का उपयोग ना करें। ये निवेदन आप समझे कर। सर, विश्व हिंदू परिषद जो है विश्व का सबसे बड़ा संगठन, तमाम चीजें, इतिहास बहुत बड़ा है, क्या क्या किया इसके बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इस पूरे सामने को लेकर आकर क्या कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद? क्योंकि ये विदेश का मामला है और विश्व हिंदू परिषद क्योंकि पूरे विश्व में जितने हिंदू रहते हैं उन सब के हितों के संरक्षण के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए ही बना है इस संगठन का। तो हमारी संवेदना और हमें जब जहां सहायता भेजनी होगी हम उसके लिए तत्पर हैं और हमारे हिंदुओं की रक्षा करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है और वो हम जब भी जरूरत पड़ेगी, जैसे ही बॉर्डर पर हमें किसी प्रकार की भी आवश्यकता होगी सरकार कहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार अपने हिसाब से इन सब चीज़ों से निपट रही है और बड़ी योजना है कोई छोटी योजना है नहीं, बहुत बड़ा बॉर्डर है, उस बॉर्डर से किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए ये भी योजना है। ऐसा नहीं हो कि इनकी आड़ में जिहादी घुस जाए और फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी स्थिति और खराब। सर, क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इतना सशक्त है कि आज अगर सरकार उसको ये बोल देती है कि हम आप अपने हिसाब से संभालिए, क्या आप संभाल सकते हैं? सर, बांग्लादेश को एक बार जब पाकिस्तान पर बात हुई थी तब इस बात पे यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया था कि हम संभालने के लिए तैयार है, अफगानिस्तान में भी यही बात कही गई थी। सर, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता है वो इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हैं कि अगर हमारे हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू संस्कृति के ऊपर पूरे विश्व में कहीं भी अगर किसी प्रकार का हमला होगा तो उनकी रक्षा करने के लिए हम हमेशा सदैव तैयार हैं और अगर अभी भी सरकार हमसे निवेदन करेगी तो हमारा एक एक कार्यकर्ता वहां पर जाने के लिए और मदद करने के लिए तैयार है।